अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश टेंसेस कैन बी हेल्पफुल इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द स्क्रैच। देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस विच गिव एन आइडिया ऑफ द टाइम व्हेन द इंसिडेंट मेंशन्ड इन अ स्टेटमेंट टेक्स प्लेस। तो टेंसेस इंग्लिश ग्रामर में वो होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि कौन से वक्त में आपने वो काम किया है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस ये बताता है कि आपने हाल में ये वक्त काम किया है, और पास्ट टेंस ये बताता है कि आपने माजी में काम किया है, और फ्यूचर टेंस ये बताता है कि आप मुस्तकबिल में कोई काम करेंगे। लेट अस नो देम वन बाय वन। इंग्लिश टेंसेस। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर बेस वर्ब प्लस ES और ES फॉर थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल, आई प्ले गेम एवरी डे, ही स्टडीज इन स्कूल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग गेम, ही इज स्टडिंग इन कॉलेज। सो वट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द टू इन उर्दू? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्ले और एंड स्टडी, एंड मीनिंग इज ऑल्सो चेंजेस। आई प्ले गेम एवरी डे, मैं हर रोज़ खेलता हूँ गेम, और ही स्टडीज इन स्कूल, वो स्कूल में पढ़ता है। सो वी यूज ता ते ती इन उर्दू एंड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन इंग्लिश, एंड विद ही शी इट वी यूज वर्ब विद एस और ई एस, एंड विद आई वी यू वी यूज verb without s or es, and with singular we use verb with s or es, and with plural we don't use verb without verb with s or es. So let's see present continuous tense. We use is am are plus present participle. I am playing main game khel rahi hoon. So it shows the action in process. He is studying in college. वो कॉलेज में पढ़ रहा है, तो इसमें रहा रहे ही रहा है या रही है या रही रही थी या रहे थे होगा ट्रांसलेशन में, या रहे हैं होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ. हैज़ यूज़ होता है ही शी इट के साथ और सिंगुलर के साथ, और हैव यूज़ होता है प्लूरल के साथ और आई वी यू और दे के साथ. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक मीनिंग ये है कि मैं ये होमवर्क कर चुकी हूँ, और दूसरा मीनिंग है कि मैंने ये होमवर्क कर लिया है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्ट्रक्चर हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. I have been finishing my homework for the last 2 hours. मैं पिछले 2 घंटों से अपना होमवर्क ख़त्म कर रही हूँ. He has been studying in school since his childhood. वो स्कूल में अपने बचपन से पढ़ रही है. तो यहाँ पर हम since या for का इस्तेमाल भी करेंगे. Since जो है वो specific date या specific time के लिए use होता है, जबकि for जब आप 2 hours, 3 hours या 2 minutes या 2 days या 2 weeks के लिए यूज़ होगा. पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस स्ट्रक्चर वर्ब प्लस ई डी और इरेगुलर वर्ब. यू प्लेड द गेम, ही रेड द न्यूज़पेपर. सो हेयर वी विल यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब टू शो दैट द एक्शन हैज़ बीन डन. तो इसमें हमने ये कहा कि तुमने गेम खेली, ही रेड द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा. तो वी विल यूज़ इन उर्दू अलिफ बड़ी ए एंड छोटी ए. उसने गेम खेली एंड उसने न्यूज़पेपर यानी अखबार पढ़ा. पास्ट कंटिन्यूस टेंस वाज और वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल. आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था. ही वाज गोइंग टू कराची, वो कराची जा रहा था. पास्ट कंटिन्यूस में हम सिंपल वाज या वर लगाएंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल. पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल. आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क, मैं अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी थी. ही हैड कंप्लीटेड हिज टास्क,
उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था या वो काम ख़त्म कर चुका था। सो पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हम हैड लगाएंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हैड प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आई हैड बीन फिनिशिंग माई होमवर्क फॉर 50 मिनट्स। मैं 50 मिनट से अपना होमवर्क ख़त्म करती रही थी। ही हैड बीन प्लेइंग गेम सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खेल खेलता रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस या फॉर का इस्तेमाल वक्त के बयान के लिए होता है। फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस स्ट्रक्चर विल और शैल प्लस वर्क। आई शैल गो टू माई होम टाउन, ही विल कम्प्लीट हिज टास्क। मैं अपने घर जाऊंगा। फ्यूचर के लिए हम देखेंगे कि इसमें गा गेगी का इस्तेमाल होगा उर्दू में। वो अपना काम ख़त्म कर लेगा, ये फ्यूचर टेंस है। विल जो है ही शी इट के साथ विल आएगा, यू के साथ भी, और शैल जो है आई और वी के साथ आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। एम इज आर प्लस गोइंग टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। दो तरीके हैं इसके। आई विल बी वॉचिंग द न्यूज़ एट 9 PM। मैं 9 बजे न्यूज़ देख रही होंगी। आई एम गोइंग टू बी वॉचिंग द न्यूज़ एट 9 PM। मैं न्यूज़ देखने जा रही होंगी 8-9 बजे। तो दोनों ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को शो कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। एम इज आर गोइंग टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। आई विल हैव प्लेड द गेम। मैं गेम खेल चुकी होंगी। द ट्रांसलेशन इज़ लाइक दैट। आई एम गोइंग टू हैव प्लेड द गेम। मैं जा रही हूँ गेम खेलने के लिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस स्ट्रक्चर विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। एम इज आर प्लस गोइंग टू हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल, आई विल हैव बीन वॉचिंग द न्यूज़ फॉर ओवर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट से न्यूज़ देख रही होंगी। बिफोर यू ज्वाइन मी, इससे पहले कि आप मुझे ज्वाइन करें। आई एम गोइंग टू हैव बीन वॉचिंग द न्यूज़ फॉर ओवर 10 मिनट्स बिफोर यू ज्वाइन मी। आपके ज्वाइन करने से पहले मैं न्यूज़ को 10 मिनट तक देख रही होंगी। सो दिस इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेट अस सी टेंसेस टेबल। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल फ्यूचर। सिंपल पास्ट टेंस द एक्शन दैट टेक्स प्लेस वंस नेवर और सेवरल टाइम्स। ही प्लेड अ गेम एवरी संडे। उसने हर संडे गेम खेली। पास्ट टेंस यानी उसने खेला, ये पास्ट टेंस माजी को शो कर रहा है। ही प्लेज अ गेम एवरी संडे। वो हर संडे एक गेम खेलता है। फ्यूचर ही विल और इज गोइंग टू प्ले द गेम एवरी संडे। वो हर रोज़ खेलेगा या खेलेगा हर संडे को गेम। एक्शंस दैट हैपन वन आफ्टर अनदर। जो एक्शंस जो एक के बाद दोबारा से होते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे। ही प्लेड अ गेम एंड देन ही टुक बाथ। उसने एक गेम खेली और उसके बाद वो उसने गुसल किया। ये पास्ट टेंस है। ही प्लेज फुटबॉल एंड देन ही टेक्स बाथ। वो फुटबॉल खेलता है और फिर नहाता है। ही विल प्ले फुटबॉल एंड देन ही विल टेक बाथ। वो फुटबॉल खेलेगा एंड और फिर नहाएगा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। एंड नाउ वी विल जस्ट सी स्टेट को हम कैसे बयान करेंगे। स्टेट मीन्स हालत और कंडीशन। ही लव्ड योगा पास्ट टेंस में। उसे योगा पसंद, उसने योगा को पसंद किया। ही लव्स योगा। वो योगा को पसंद करता है। ही विल लव योगा। वो योगा को पसंद करेगा। पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। एक्शन गोइंग ऑन दैट मोमेंट। वो एक्शन जो कि उसी वक्त हो रहा हो। ही वॉज प्लेइंग द गेम पास्ट टेंस में। वो गेम खेल रहा था। ही इज़ प्लेइंग अ गेम। वो गेम खेल रहा है।
He will be playing a game. वो गेम खेल रहा होगा. Actions that are taking place at the same time. वो actions जो कि एक ही वक्त में हम करते हैं. He was playing a game and he was watching TV. वो गेम खेल रहा था और वो टीवी देख रही थी past tense में. He is playing a game and she is watching. दो लोगों की बात हो रही है. Present tense है. Continuous. वो गेम खेल रहा है और वो टीवी देख रही है. He will be playing a game and she will be watching TV. Future tense. Continuous में वो गेम खेल रहा होगा और वो टीवी देख रही होगी. Will be उसके साथ first form of verb और साथ ing यानी present participle. Past perfect simple. Present perfect simple and future perfect. Action taking place before a certain moment in time shows completion or result. यानी एक काम जो ख़ास टाइम से पहले हुआ है तो वो कोई या तो इसको ख़त्म करने का शो कर रहा है या रिजल्ट को शो कर रहा है. He had won two matches until that day. उस दिन तक उसने दो मैचेस जीते थे. He has won two matches so far. अभी तक वो दो मैचेस जीत चुका है. He will have won two matches by then. उस वक्त तक वो दो मैचेस जीत चुका होगा. So this is the difference. Past perfect continuous. Action taking place before a certain moment in time and beyond that time. Emphasis on the duration. जब ड्यूरेशन की बात हो, दौरानिया बयान किया जा रहा हो, तो सिंस या फॉर का यूज़ होता है. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिन. ही हैड बिन प्लेइंग अ गेम फॉर 10 years. वो 10 सालों से एक गेम खेलता रहा था. ही हैज़ बिन प्लेइंग अ गेम फॉर 10 years. वो 10 सालों से गेम खेलता रहा है. ही विल हैव बिन प्लेइंग अ गेम फॉर 10 years. वो 10 सालों से गेम खेलता रहा होगा. So today we have just revised tenses. Hope you will have understood them. See you next time. Allah Hafiz.